नमस्कार, मैं सचिन राठौर, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। जिलाधिकारी सविन बंसल ने राजपुर रोड पर बहल के चौक के पास स्थित विदेशी शराब की दुकानों को मंगलवार सुबह 15 दिन के लिए निलंबित कर दिया। बकायदा तारों पर सील लगाकर इसे बंद की कार्रवाई की है, लेकिन शाम को स्टे ऑर्डर लेकर दुकान खोले जाने लगी। इसकी भनक लगती कांग्रेस नेत्री सुनीता प्रकाश आसपास की महिलाओं के साथ दुकान के बाहर पहुँच गई। उनके विरोध पर दुकान के ताले नहीं खुलने थे। देखिए, मुख्य वजह जो है, कल रात भी हमने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया था। डीएम साहब ने आदेश किए, ये दुकान बिल्कुल नियमों के विरुद्ध खुली हुई है। यहाँ पे सबसे पहला जो मुद्दा है यहाँ से दुकान हटने का, वो है कि ये जीजीआईसी इंटर कॉलेज के बिल्कुल सामने है, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा। अपने यहाँ पे जहाँ ये आपके जो आबकारी की जो नियम है, वो भी ये कहते हैं कि ये स्कूल के आसपास दुकान नहीं खोल सकते। ठीक है, हम डीएम साहब, क्षेत्र की जनता जो है डीएम साहब के पास गई अपनी इस समस्या को लेकर के। हम डीएम साहब का धन्यवाद इसलिए करेंगे क्योंकि हम तो बड़े प्रमुखता से सुना, गंभीरता से सुना और बहुत शीघ्र उन्होंने सदर एसडीएम को भेज करके यहाँ कार्रवाई की। आगरा में डिजिटल अरेस्ट का नया और चौंका देने वाला मामला सामने आया। 50 मिनट तक मोबाइल पर रखा डिजिटल अरेस्ट। पीड़ित परिवार ने गूगल पर सर्च किया था लॉकर, इसी के बाद उनके पास आई व्हाट्सएप कॉल। कॉल करने वाले ने बताया अपने आप को एसबीआई बैंक का मैनेजर। कॉल करने वाले ने व्हाट्सएप पर भेजा लिंक, कहा फॉर्म को भर दे। पीड़ित परिवार ने जैसे ही लिंक को खोला, उनके खाते से पैसे निकल गए। वृद्ध महिला के खाते से 1,00,000 रुपये और शिक्षिका बेटी के खाते से 5,000 रुपये की ठगी की मामला सामने आया। आगरा में डिजिटल अरेस्ट का सामने आया तीसरा केस। इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। थाना अतमदौला के ट्रांस यमुना क्षेत्र का पूरा मामला। भाजपा जिला अध्यक्ष हंसराज पप्पू के बेटे आशु पर राज्य कर सचल दल के एक अफसर के साथ बसरूकी करने और उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही को पीटने, वर्दी फाड़ने का आरोप लगा है। इस आरोप को लेकर 5 नामजद 20 से 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने वाले जीएसटी के अफसरों ने थाने में तहरीर दी। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सदर विधायक योगेश वर्मा और लखीमपुर जिले के दिग्गज अधिवक्ता अवधेश सिंह के बीच तीखी झड़प मारपीट। मारपीट में भाजपा विधायक योगेश और उनके समर्थक पीटे गए हैं। विधायक योगेश वर्मा का कुर्ता भी फटा है। पुलिस की भारी लापरवाही और नाकामी सामने आई। अधिवक्ता अवधेश सिंह ने विधायक को मारा थप्पड़। वीडियो तेज से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। छात्रा अदिति बनी एक दिन की जिलाधिकारी। नारी सशक्तिकरण की दिशा में जिलाधिकारी की अभिनव पहल। छात्रों को बनाया एक दिन का डीएम। मिशन शक्ति अभियान के तहत छात्रा अदिति साहू बनी एक दिन की प्रतीकात्मक जिलाधिकारी। छात्रा आदित्य साहू ने फरियादियों की समस्याओं को सुनते हुए जिलाधिकारी पद और दायित्व के निर्वहन की सीख ली। झांसी में इन दिनों युवाओं में असली के साथ रील बनाने का क्रेज छिड़ कर बोल रहा है। जहां युवा कानून के नियमों को ताक पर रखकर सोशल मीडिया पर असली के साथ रील्स बनाने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला झांसी के शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सिमरिया से है, जहां के रहने वाले युवक ने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर अपनी खुद की आवाज असली के साथ वीडियो बनाकर वायरल कर दी। श्रावस्ती में भारतीय किसान यूनियन और राजनीतिक कार्यकर्ता नेताओं ने बहराइच भिनगा मार्ग का चक्का जाम कर दिया। टू लाइन हाईवे के एक लाइन पर चक्का जाम कर किसान कर रहे थे धरना प्रदर्शन। भारी पुलिस बल के साथ पीएसी और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। बघा मोड़ रक्ति पुल से निकलते ही पुलिस ने कार्यकर्ताओं को मुख्यालय जाने से रोका। किसानों के विभिन्न मांगों को लेकर डीएम को ज्ञापन देने जा रहे थे। विभाग के जिलाध्यक्ष रामस्वरूप वर्मा की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ता सड़क की बाई पट्टी को जाम कर रहे थे। झांसी के सकरार थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले निरोरा गांव से पूरा मामला, जहां माता रानी के पंडाल में जमकर अश्लीलता फैलाई जा रही है। जगराते के नाम पर रात भर ठुमके लगाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, बुंदेलखंड की राजनीति के गीतों पर जमकर अश्लीलता परोसी जा रही है। पंडाल में मौजूदा लोगों द्वारा इनके साथ जमकर ठुमके भी लगवाए गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। श्रावस्ती में तेज रफ्तार टेम्पो ने साइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी। सड़क पार करते समय तेज रफ्तार टेम्पो ने मारी जोरदार टक्कर। भीषण टक्कर से साइकिल क्षतिग्रस्त, सवार गंभीर रूप से घायल हुआ है। टक्कर मारने के बाद टेम्पो छोड़कर चालक मौके से फरार हो गया। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने रामपुर के भाजपा जिलाध्यक्ष हंसराज पप्पू के बेटे द्वारा जीएसटी के अफसरों तथा पुलिसकर्मियों पर हमले के आरोप में तत्काल एफआईआर दर्ज करने की मांग की। मुख्य सचिव और डीजी यूपी को भेजी अपनी शिकायत में उन्होंने कहा कि इस मामले में जीएसटी के अफसरों और पुलिस के सिपाहियों ने सामने आकर लिखित रूप से भाजपा जिलाध्यक्ष के पुत्र पर लगभग 30 लोगों के साथ उन पर हमला करने का गंभीर आरोप लगाया है। अमेठी के बाजार शुक्ल क्षेत्र अंतर्गत पूर्व प्रधान की पीट पीट कर हत्या का मामला। मृतक के भाई शिवनायक सिंह और परिजनों की मांग, जानमाल की सुरक्षा को देते हुए 2 लाइसेंस प्रदान किए जाए। मुख्य आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी हो, सुरक्षा दी जाए परिवार को। बुंदेलखंड दशहरा कमेटी के द्वारा एक लंबे अरसे से विजयदशमी कार्यक्रम आयोजित होता चला रहा है। बुंदेलखंड दशहरा कमेटी हर बार कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करती है, जिससे विजयदशमी कार्यक्रम को और भव्य बनाया जा सके। इसी क्रम में इस बार बुंदेलखंड दशहरा कमेटी के द्वारा दुबई के बू अब्दुल्ला ग्रुप के अध्यक्ष शेख अब्दुल्ला को विजयदशमी कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसकी स्वीकृति बू अब्दुल्ला के द्वारा दी गई थी। उनके यहाँ आना भी फाइनल हो चुका था, लेकिन हिंदुवादी संगठनों के विरोध के चलते अब दुबई के शेख बू अब्दुल्ला झांसी नहीं आएंगे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की रूपरेखा झांसी के सम्मानित समाजसेवी डॉक्टर संदीप सर्वांगी के द्वारा रची गई थी।
लोधी समाज के विरोध में जयदेव पुरोहित अध्यक्ष जिला सरकारी बैंक झांसी द्वारा अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर लोधी समाज को लांछित किया जाने के मामले में भारतीय जनता पार्टी के तहसील जिलाध्यक्ष कार्यालय पर शांतिपूर्वक राष्ट्रीय लोधी महासभा के पदाधिकारी जिलाध्यक्ष अशोक गिरी से प्रदेश अध्यक्ष के नाम ज्ञापन सौंपने आए सैकड़ों राजपूत समाज के लोगों ने जब कार्यालय में अध्यक्ष की नहीं सुनी तो लोधी समाज के लोगों ने अध्यक्ष के लिए हंगामा शुरू कर दिया। धरने से चल रहा है अवैध खनन का कारोबार, तहसील पुलिस प्रशासन के नाके नीचे चल रहा अवैध खनन का कारोबार, दर्जनों ट्रैक्टर ट्रॉलियों को लगाकर किया जा रहा पट्टान। मामले में तहसील प्रशासन अनजान, सदर तहसील इलाके के जहानाबाद थाना क्षेत्र के रीछा बहेली मार्ग का पूरा मामला। सहारनपुर के नकुल गांव से एक विवादास्पद वीडियो सामने आया जिसमें महिला एसडीएम किसानों को सतलेजे में धमकाते हुए नजर आ रही है। ये वीडियो उस समय का है जब कुछ किसान धरना दे रहे थे। वीडियो में एसडीएम किसानों से कहती सुनाई दे रही है कि उनके कार्यालय के आसपास हुक्का नहीं चलना चाहिए। हालांकि ग्रामीण क्षेत्र की राजनीति और संस्कृति में हुक्का एक अहम पहचान माना जाता है। इस वीडियो के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या अधिकारी गाँव की सांस्कृतिक पहचान से अनजान या जानबूझकर इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम रमेश त्यागी। आज आप लोग कार्यालय पहुंचे, क्या पूरा मामला है, क्या कार्रवाई चल रही है? भाई पूरा मामला ये है कि अधिकारी किसान को कुछ समझ नहीं रहा। किसान प्रधान देश है, किसान ही यहाँ ज़्यादा हैं देश में, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारी ये नहीं समझता भाई किसान है या अन्नदाता है। कहने को तो ये सब कहते हैं कि भाई किसान प्रधान देश है, ये अन्नदाता है, लेकिन अगर ये अपने किसी काम के लिए जाता है तो वहाँ इसे कुत्ते बिल्ली की तरह वहाँ से भगा दिया जाता है। दीपक यादव और रेत बिक्री कालाबाजारी को लेकर टीम ने की छापेमारी। युवा कल्याण विभाग के डिप्टी डायरेक्टर विवेक श्रीवास्तव ने कृषि विभाग के अधिकारियों की टीम के साथ की छापेमारी। टीम की छापेमारी से बाजार के खाद विक्रेताओं में हड़कंप मच गया। दुकान को बंद कर भागे क्षेत्र के विक्रेताओं की दुकानों और गोदाम में डीपी खाद के ओवर रेट स्टॉक होने की मिल रही सूचना पिनाहट कस्बे बाजार क्षेत्र का एक बुरा मामला। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।